मॉर्निंग स्टूडेंट्स, संस्कृत व्याकरण क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं शब्द रूप। शब्द रूप में अपन ने पढ़ लिए आकारांत पुल्लिंग के शब्द और आपके आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द। आज हम लेंगे आपके गुरु शब्द, जो है आपके उकारांत पुल्लिंग का शब्द। देखिए, गुरु के आखिर में रहेगा आपको रू। रू में आपके स्वर जुड़ा हुआ छोटा हो, इसलिए ये उकारांत। और गुरु शब्द क्योंकि पुल्लिंग का है, इसलिए ये शब्द रूप कहलाएंगे आपके उकारांत पुल्लिंग के शब्द। तो हम शुरू करते हैं गुरु के शब्द रूप। प्रथम पंक्ति में आएंगे आपके गुरु, गुरु, गुरुवा। द्वितीय पंक्ति में गुरु, गुरु, गुरुन। तृतीय पंक्ति में गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभि। चतुर्थी पंक्ति में गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्य। पंचमी भक्ति में गुरु, गुरुभ्याम, गुरुभ्य। षष्ठी भक्ति में गुरु, गुरुवो, गुरुषु। सबकी भक्ति में आपके गुरु, गुरुवो, गुरुषु। संबोधन, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवा। एक बार फिर से पढ़ेंगे इनको, देखिए। गुरु, गुरु, गुरुवा। गुरु, गुरु, गुरुन। गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभि। गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्य। गुरुः, गुरुभ्याम, गुरुभ्य। गुरुः, गुरुवो, गुरुणाम। गुरौ, गुरुवो, गुरुषु। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु। ये हैं आपके उकारांत पुल्लिंग के शब्द। अब हम अपने शब्द रूप बदल देंगे। अब लेंगे अपन नदी शब्द के रूप, जो है आपके इकारांत स्त्रीलिंग का पद। देखिए, नदी में आपने भी देखा है आपको दी, जिसमें आपको स्वर जुड़ा हुआ है बड़ी दी, इसलिए ये आपके इकारांत। और नदी शब्द क्योंकि आपके स्त्रीलिंग का, इसलिए ये आपके इकारांत स्त्रीलिंग का पद। अब इसके शब्द रूप किस तरह चलेंगे आपके, नदी, नद्यौ, नद्यः, नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीं, नद्यौ, नदी, नदीं, नद्यौ, नदी। नद्या, नदीभ्याम, नदीभि। नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्य।
नद्यः नदीभ्यां नदीभ्य। नद्यः नद्यो नदीनां। नद्यां नद्यो नदीषु। हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः। एक बार फिर से पढ़िए इसको। नदी नद्यौ नद्यः, नदीं नद्यौ नदी, नद्या नदीभ्यां नदीभिः, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्यः नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्यः नद्यो नदीनां, नद्यां नद्यो नदीषु। हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः। ये हैं आपके इकारांत स्त्रीलिंग के पद। तो आज हमने पढ़े आपके उकारांत पुल्लिंग के और इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द। अब आपको जितने भी ऐसे शब्द रूप मिल जाएं जो उकारांत पुल्लिंग के इकारांत स्त्रीलिंग के हैं, तो उनके शब्द रूप आप अपने आप से बनाइए और याद कीजिए। तो अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।